वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे सभी व्यूवर सब्सक्राइबर और मेरे चाहने वाले जितने मेरे मित्र प्यारे दोस्त हैं सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि खूब भर भर के आए। दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, सिक्योरिटी फील्ड अफसर या एरिया मैनेजर का इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से सवाल जवाब किए जाते हैं, कौन कौन सी योग्यता होती है फील्ड अफसर बनने के लिए, एरिया मैनेजर बनने के लिए या जॉब प्राप्त करने के लिए, एरिया मैनेजर सिक्योरिटी फील्ड अफसर की जॉब प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, सैलरी कितनी होती है, क्या क्या काम होते हैं, दोस्तों इसी को लेकर वीडियो है और बड़ी यूजफुल वीडियो है मित्रों। और सबसे पहले आपका मैं बता दिया, पहले भी बताया मैंने पिछली वीडियो में कि आपका भाई फ्री जॉब प्रोवाइड करता है दोस्तों ऑल इंडिया में। सिक्योरिटी की अगर किसी भाई को जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो बेझिझक भाई पे कमेंट करे और अपना रिज्यूम सेंड करे तो भाई आपको फ्री जॉब दिलवाने का आपका पूरा सपोर्ट करेगा मित्रों। आपका एक रुपये नहीं लगेगा, टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी हरासमेंट भी बचेगी। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सिक्योरिटी फील्ड अफसर एरिया मैनेजर इंटरव्यू। सिक्योरिटी फील्ड अफसर किसको कहते हैं दोस्तों? कंपनी में दो प्रकार का काम होता है, एक इंटरनल वर्क और एक आउट वर्क। इंटरनल वर्क में दोस्तों हमारा स्टाफ जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, एचआर, जो भी हमारे जो अंदर ऑफिस में बैठते हैं हमारी सिक्योरिटी कंपनी के स्टाफ, वो इंटरनल वर्क करते हैं। और जो बाहर का वर्क जैसे सिक्योरिटी गार्ड हायर करना, क्लाइंट के साथ मीटिंग करना और अपने साइट को ओके रखना, वहाँ पे डेली रिपोर्ट लेना, सभी से अपना काम सही ढंग से करवाना, सिक्योरिटी की जो ड्यूटी दी हुई है गार्डों को दी हुई है, सुपरवाइजर को दी है, ये सारे काम फील्ड अफसर के होते हैं। ये वो इसको बोलते हैं फील्ड अफसर, जो अपना बाहर का फील्ड का काम देखता है। दोस्तों सिक्योरिटी फील्ड अफसर, सिक्योरिटी फील्ड अफसर या एरिया मैनेजर दोनों ही दोस्तों एक ही पोस्ट है। कहीं किसी कंपनी में हम एरिया मैनेजर बोलते हैं, कहीं पर हम सिक्योरिटी फील्ड अफसर। दोस्तों एक ही पोस्ट है, एक ही प्रकार का काम है और दोनों का काम सेम ही है मित्रों। तो जो सवाल पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। दोस्तों सिक्योरिटी फील्ड अफसर की जॉब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखो दोस्तों इसके लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए मित्रों, 10वीं पास। अगर प्लस टू है या ग्रेजुएट है वो मेरे भाई के लिए, जो कैंडिडेट के लिए वो हेल्पफुल है, सपोर्ट का काम करेगा एक, लेकिन कम से कम 10वीं पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आज का टाइम आपको पता है मित्रों अनपढ़ का टाइम नहीं है, हर जगह कंप्यूटर युग है, सोशल वर्क है, हर जगह इंटरनेट का ज़माना है। इसलिए दोस्तों पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है फील्ड अफसर की जॉब के लिए। प्लस टू पास, 10वीं पास और अगर ग्रेजुएट हो वो प्लस पॉइंट होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है जो मित्रों एज और हाइट। दोस्तों फील्ड अफसर की जो एज होगी वो मेरे हिसाब से दोस्तों 25 to 55। दोस्तों जॉब 18 साल का भी कर सकता है, फील्ड अफसर की जो जॉब होते हैं मित्रों 18 साल अगर किसी भाई की एज होती है तो वो भी क्वालिफाइड है एरिया मैनेजर या फील्ड अफसर की जॉब के लिए सिक्योरिटी लाइन में। लेकिन दोस्तों एक इम्प्रेशन होता है, हमको पता है कि फील्ड अफसर को क्लाइंट से मीटिंग भी करनी होती है, सिक्योरिटी गार्ड भी हायर करने होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड एक्स सर्विसमैन हो गए, एक्स सर्विसमैन दोस्तों ऐसे होते हैं जो 30-35 साल जॉब होती है, तो एक इम्प्रेशन का काम करता है दोस्तों। अगर बंदे की फील्ड अफसर की एज थोड़ी 25 से ऊपर हो तो दोस्तों इम्प्रेशन अच्छा जाता है। अगर 18 एज हो उसकी दोस्तों काम तो वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं करेगा वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर देखो थोड़ा सा इम्प्रेशन की पर बात आ जाती है तो 25 to 55 एज एक सिक्योरिटी फील्ड अफसर की होनी चाहिए मित्रों। ये भी इंटरव्यू में इम्प्रेशन भी देखते हैं कि बंदा की एज कितनी है, यानी परिपक्व बोलते हैं जिसको हम, एक मैच्योर होना चाहिए दोस्तों। मैच्योरिटी आ जाती है 25 एज की एज में इंसान में, वैसे तो मैच्योरिटी पता नहीं कब आ जाती है मित्रों, लेकिन 25 एज कम से कम एक फील्ड अफसर के लिए होनी चाहिए मित्रों। और दोस्तों हाइट दोस्तों फील्ड अफसर की जो हाइट है 5 feet 9 inches, यानी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मित्रों फील्ड अफसर की जॉब के लिए। दोस्तों फील्ड अफसर को भी जब सिक्योरिटी गार्ड, फील्ड अफसर जब सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं, सुपरवाइजर को हायर करते हैं या और स्टाफ हायर करते हैं दोस्तों, ये भी एक मिलिट्री और पुलिस की तरह ही फिजिकल होता है इसका, जो सिक्योरिटी गार्ड का, उसकी हाइट दोस्तों
जब हम हायर करते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, उसकी हाइट भी देखते हैं, उसकी एज भी देखते हैं और उसके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो फील्ड अफसर सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर को तभी फिजिकल उनका चेक करेगा, तभी उनकी हाइट चेक करेगा, तो खुद वो दोस्तों उसकी हाइट कंप्लीट हो एज ए रूल एक्सपीरियंस। मित्र फील्ड अफसर की जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कितने साल काम किया है, कौन कौन सी सिक्योरिटी में आपने काम किया है, इस दौरान दोस्तों एक्सपीरियंस 2 ईयर से 5 ईयर, दोस्तों किसी भी फील्ड अफसर की जॉब के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। फ्रेशर मेरा भाई, मेरे पास कॉल आती है, फ्रेशर जो मेरा भाई है जो कैंडिडेट है सिक्योरिटी फील्ड अफसर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो दोस्तों सिक्योरिटी फील्ड अफसर की जॉब नहीं कर सकता, इसके अंदर दोस्तों एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, क्या क्या काम किए हैं, अपने अपनी साइटों के नाम भी उसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी साइटें आपने देखी है, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करते थे, सिक्योरिटी सुपरवाइजर सिक्योरिटी गार्ड को कैसे हायर करते थे, ये हर प्रकार की बातें आपसे एक्सपीरियंस के बेस पे दोस्तों पूछी जा सकती है। इसलिए जब भी किसी भाई का इंटरव्यू हो फील्ड अफसर की जॉब के लिए, उसके पास एक्सपीरियंस लेटर, जब हम कोई कंपनी को दोस्तों छोड़ते हैं या रिजाइन करते हैं अगर पुरानी कंपनी से, प्रीवियस कंपनी से दोस्तों, तो उस दौरान वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर भी लेना बहुत जरूरी चाहिए मित्रों, ताकि अगली जो कंपनी में जाएंगे जॉब प्राप्त करेंगे तो वहाँ उस एक्सपीरियंस लेटर को दिखा सके, ताकि ये एक प्रूफ के तौर पर दोस्तों अपने पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फायर एंड सेफ्टी। आपसे पूछा जा सकता है मित्रों फील्ड अफसर की जॉब के दौरान इंटरव्यू में कि आपको फायर की नॉलेज है या नहीं है। दोस्तों फायर की नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रीफिंग के दौरान जब सिक्योरिटी फील्ड अफसर काम करता है तो अपने सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर जो उसके अंडर में जो स्टाफ आता है उसको ब्रीफ करता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देता है फील्ड अफसर, इसलिए फील्ड अफसर के को नॉलेज होनी चाहिए फायर के बारे में, फायर कितनी प्रकार की होती है और एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, सेफ्टी के बारे में पूरे नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, आग पर कैसे काबू पाया जाता है और कैसे इसको बुझाया जाता है, इसकी हर प्रकार की नॉलेज आपको फील्ड अफसर को होनी चाहिए मित्रों। ये भी एक मेन पॉइंट है और 100% दोस्तों पूछा जाता है फायर के बारे में, आप क्या जानते हो फायर कितने प्रकार की होती है। इसलिए कोई भी मेरा भाई फील्ड अफसर की जॉब अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो फायर की नॉलेज में उनको होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है मैन पावर। दोस्तों किसी भी फील्ड अफसर की जॉब के दौरान इंटरव्यू पूछा जा सकता है आपसे कि आपके पास कितनी मैन पावर है, आपका सिस्टम क्या है सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर को भर्ती करने का, यानी हायर करने का, रिक्रूटमेंट करने का। दोस्तों मैन पावर होनी चाहिए हर फील्ड अफसर की जॉब जो बड़ा भाई करना चाहता है, उसके पास मेन पावर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब वो काम करते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान कई साइटों पे दोस्तों गार्ड शॉर्ट हो जाते हैं, कई बार गार्ड छुट्टी कर लेते हैं इमरजेंसी, उस दौरान उसके पास बैकअप के लिए मेन पावर का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि आपके पास बैकअप यानी मेन पावर कितनी है। मेरे हिसाब से मित्रों हर एक फील्ड अफसर के पास 20 से 50 बंदों की मेन पावर होनी चाहिए, तभी वो अच्छे ढंग से किसी भी कंपनी में काम कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मित्रों रजिस्टर ऑफ नॉलेज। सिक्योरिटी फील्ड अफसर से इंटरव्यू के दौरान दोस्तों पूछा जा सकता है कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए दोस्तों फील्ड अफसर को पता होना चाहिए कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पहले एक वीडियो में बताया है दोस्तों, अगर फील्ड अफसर की जॉब मिल जाए तो उनको काम करवाना होता है, हर साइट पर जाना होता है, कोई कंपनी भी हो गई, होटल भी हो गई, सोसाइटी भी हो गई, पता नहीं कितने प्रकार की जॉब होती है दोस्तों सिक्योरिटी में, तो दोस्तों हर साइट पर उन्होंने जाना होता है, तो वहाँ रजिस्टर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, एक कंपनी एक सिक्योरिटी किन किन प्रकार के रजिस्टर को मेंटेन करती है, सिक्योरिटी रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था दोस्तों 8-10 प्रकार के मेन रजिस्टर, मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो रजिस्टर होता है दोस्तों अटेंडेंस रजिस्टर, दूसरा विजिटर रजिस्टर, तीसरा इनवर्ड रजिस्टर, चौथा दोस्तों आउटवर्ड रजिस्टर और RGP रजिस्टर, NRGP रजिस्टर और मेडिकल रजिस्टर, स्पोर्ट्स रजिस्टर, एक्यूरेंस रजिस्टर। दोस्तों रजिस्टर तो और भी हैं, लेकिन ये 8-10 प्रकार के रजिस्टर आपको हर साइट पे मिलेंगे। एक फील्ड अफसर को इन रजिस्टरों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपना काम अच्छे ढंग से कर सके दोस्तों। इंटरव्यू पूछा जा सकता है, इसलिए कोई भी भाई अगर सिक्योरिटी फील्ड अफसर या एरिया मैनेजर के इंटरव्यू के लिए जाए तो इसको एक प्रॉपर उसको नॉलेज होनी चाहिए रजिस्टर की। नेक्स्ट जो पॉइंट है टीम लीडर। दोस्तों किसी भी फील्ड अफसर की जॉब प्राप्त करने के लिए उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर 10 सिक्योरिटी गार्ड भी काम कर सकते हैं, 100 सिक्योरिटी गार्ड भी काम कर सकते हैं,
चार पांच साइटें भी उसको मिल सकती हैं, होटल भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, कंपनीज भी हो सकती हैं, और 10 साइटें भी मिल सकती है। उसके अंदर दोस्तों एक मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कैसे क्लाइंट से बात करनी है, कैसे मीटिंग अरेंज करनी है, कैसे अपने सिक्योरिटी स्टाफ को हैंडल करना है, कैसे उनको ड्यूटी देनी है, कैसे उनको ब्रीफ करना है, किन किन सिक्योरिटी स्टाफ को छुट्टी देनी है, हर चीज़ दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें एक फील्ड अफसर को पता होनी चाहिए। उसके अंदर दोस्तों वो मैच्योरिटी, वो इम्प्रेशन उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से काम करवा सके दोस्तों, ताकि मित्रों अच्छे ढंग से अपने सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, अच्छे ढंग से काम करवा सकते हैं दोस्तों। और टीम लीडर अगर अच्छा होगा दोस्तों तो 100% जो उसके नीचे वाले जो उसका जो जूनियर स्टाफ है वो भी एक अच्छे ढंग से काम करेंगे। इसलिए दोस्तों टीम लीडर की क्वालिटी जो है वो एक फील्ड अफसर की होनी चाहिए। पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान कि आपको क्या क्या काम होते हैं, कैसे आप काम करोगे, तो पता होना चाहिए दोस्तों इसके ऊपर। पॉइंट है मित्रों लैंग्वेज। दोस्तों हमारे देश में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दोस्तों हम काम के दौरान देखते हैं दो लैंग्वेज हर फील्ड अफसर को जरूर नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों क्योंकि हर वर्क हमने देखा है कि आजकल इंग्लिश में ही होता है, अगर विजिटर रजिस्टर है वो भी एंटर इंग्लिश में होती है, अगर अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी इंग्लिश में, कोई भी दोस्तों रजिस्टर उठा के देख लो इंग्लिश और हिंदी। तो इन दो भाषाओं की नॉलेज एक मेरे भाई को फील्ड अफसर को जरूर होनी चाहिए। मित्रों पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि आपको कौन कौन सी भाषाओं की नॉलेज है, तो दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोस्तों इसकी नॉलेज अवश्य होनी चाहिए। और इसमें एक पॉइंट हो रहा है मित्रों, अगर मान लो दोस्तों मैं हरियाणा से हूँ मान लेते हैं, और मैं जॉब करना चाहता हूँ कोई दूसरी स्टेट में, पंजाब में या साउथ में करना चाहता हूँ, अगर लोकल भाषा की मुझे जानकारी है तो दोस्तों वो भी एक सुनने पे सुहागे का काम करते हैं मित्रों। अगर लोकल भाषा की नॉलेज किसी भाई को होगी जहाँ वो काम करना चाहता है दोस्तों, उसको कंपनी देखती है, उसको कंपनी 100% जॉब पर रखेगी जिसको लोकल भाषा का और लोकल जो एरिया है जहाँ के लोकेशन पे जॉब करना चाहता है मित्रों, अगर उसकी नॉलेज पूरी उस भाई को होगी तो उसको भी दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट का काम करेगा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है मित्रों सैलरी। एक सिक्योरिटी फील्ड अफसर के दोस्तों जब जॉब मिल जाती है, इंटरव्यू में सक्सेस हो जाता है दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर कोई अच्छा काम करता है तो 20 to 50 दोस्तों 20,000 to 15 दोस्तों 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की सैलरी एक फील्ड अफसर को मिल जाती है दोस्तों। फील्ड अफसर विद कन्वेंस भी देती है तो 20,000 से 50,000 रुपये तक की दोस्तों एक फील्ड अफसर को सैलरी आराम से मिल जाती है। अगर फील्ड अफसर दोस्तों अच्छा काम करता है तो 50,000 रुपये दोस्तों 100% सैलरी मिलेगी, जिसको सारी चीज़ की नॉलेज है और अच्छी तरह से कोई भी काम को रनिंग कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मित्रों कंप्यूटर बेसिक। दोस्तों आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, किसी भी फील्ड अफसर की जॉब के लिए दोस्तों आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर काम मेल पे होता है, हर चीज़ अगर किसी सोसाइटी में जाए तो वहाँ मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जाता है, ऐप के द्वारा ही दोस्तों एंट्री की जाती है कोई भी विजिटर एंट्री, तो पहले दोस्तों मैनुअल हो जाती थी लेकिन आजकल मोबाइल पे हो रही है, हम सब देखते ही हैं, तो इंटरव्यू पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों फील्ड अफसर की जॉब के लिए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों आपको कंप्यूटर की पूरी ही नॉलेज हो, लेकिन एक बेसिक को चलाना आना चाहिए, मेल मूल डाल ले, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कितनी नॉलेज है कंप्यूटर की। और दोस्तों ये है आज की वीडियो, मैंने दोस्तों आपको 10 पॉइंट मेन जो बेसिक चीज़ें वो बता दी। वैसे फील्ड अफसर के काम बहुत है मित्रों, वो आप काम पर जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या काम होता है। इसलिए दोस्तों ये मैंने 10 पॉइंट आपको बता दिए हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगेन फिर सभी मेरे भाइयों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।